दोस्तों आप लोगों ने कहीं ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें कुछ लोग जो एलियंस, यूएफओ और कहीं सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर रिसर्च करते हैं, तो वो लोग या तो डिसअपीयर हो जाते हैं या फिर कुछ लोगों का यह मानना है कि इन्हें एलियंस इस दुनिया से उठा करके दूसरी दुनिया में ले चले जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मिस्टीरियस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से एक ब्रूनो बोर्जेस नामक लड़का पूरे 5 मंथ तक कैसे डिसअपीयर रहा और पूरे 5 मंथ तक वो कहाँ पर था, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो से। तो दोस्तों इस वीडियो का अभी तक जरूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टेबल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को 5 के सब्सक्राइबर रीच करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रूनो बोर्जेस, जी हाँ दोस्तों, ब्रूनो बोर्जेस नामक लड़का जो सिर्फ 24 साल के थे, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 24 मार्च 2017 की, तब ये 24 साल के थे और ये ब्राज़ील के रहने वाला था। तो ये ब्रूनो बोर्जेस का मानना था जियोर्डानो ब्रूनो से इंस्पायर्ड है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये जियोर्डानो ब्रूनो है कौन, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कौन थे। ये बहुत ही जाने माने रिसर्चर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। इनका मेन मोटिव था रिसर्च का कि ये लाइफ के एग्जिस्टेंस के पीछे के मीनिंग जानने चाहते थे। तो इसी सब के रिलेटेड इन्होंने UFOs और एलियंस के बारे में काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी। तो ब्रूनो बोर्जेस का ये कहना है कि वो इनसे इंस्पायर्ड है और लाइफ के एक्चुअल एग्जिस्टेंस को समझने के लिए ये इनके रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ब्रूनो बोर्जेस ने जब ये बहुत छोटे थे तभी से ही उन्होंने जियोर्डानो ब्रूनो के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और ये सब UFOs एंड एलियंस के बारे में और इल्यूमिनाटी जैसे टॉपिक्स को इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया बहुत ही कम उम्र से। लेकिन ऐसा क्या हुआ 24 मार्च 2017 को कि ये ब्रूनो बोर्जेस अचानक से अपने घर से डिसअपीयर हो गए? एक्चुअली क्या था इनके पीछे का पूरा रहस्य? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, इनके पेरेंट्स जो है, इनके पेरेंट्स ही इन्हें बचपन से ही देख रहे हैं कि ये सब अजीब से टॉपिक्स में ये इंटरेस्ट रखता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ब्रूनो ने ये सब इंटरेस्ट के चक्कर में पूरी बाइबल को पढ़ लिया और उसे समझ लिया था। अब आप लोगों को ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि जो ब्रूनो है ये अपने रूम में ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे जो किसी को नहीं पता थी। ये बहुत ही सीक्रेट तरीके में काम करते थे, क्योंकि ये वो जो टॉपिक्स होती है, वो सब जो चीज़ें होती है, वो सब जो कंटेंट्स होते हैं जो बारे में मैंने आपको बताया UFO और एलियंस का, वो कोई भी किसी को नहीं बताता कि हाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ये जो है ब्रूनो, ये कुछ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग्स की ज़रूरत थी। इन्होंने काफ़ी लोगों से फंड्स मांगे कि मुझे कुछ कुछ इतने इतने पैसे चाहिए, इतने इतने चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही करते करते $6,000 लोगों से जमा कर लिए थे अपने प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ। लेकिन ये किसी कोई भी सबका सवाल यही होता था कि तुझे इतने पैसे चाहिए क्यों? ब्रूनो सिंपली ये कह देते कि मैं एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अब 27 मार्च को क्या हुआ, ये अचानक से डिसअपीयर हो गए। तो इनके घर वालों ने क्या किया, सिंपली पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट लिखाई कि ये हमारा ऐसा सा बेटा है जो डिसअपीयर हो चुका है अचानक, उनका सब जो भी इन्फॉर्मेशन था उन्होंने दिया। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूरी जांच करने के लिए इनके घर पर विजिट करके जब ब्रूनो का बेडरूम ओपन किया तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखी उसके रूम में ब्रूनो बोर्जेस के, जिसे देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्या था उसके रूम में। ये एक्चुअल फुटेज है ब्रूनो बोर्जेस के रूम का। तो क्या था वहाँ पर, वहाँ पर कुछ ऐसी बुक्स मिली, ऐसे कुछ 14 स्क्रिप्ट्स मिली जो ब्रूनो ने अपने हाथों से लिखा था। लेकिन वो सब सबके समझ के बाहर था क्योंकि वो एक कोडेड लैंग्वेज में थी, जैसे हम कह सकते हैं बंद भाषा में लिखना। तो वो कोडेड लैंग्वेज किसी को नहीं समझ आ रही थी कि वो ब्रूनो ने उस 14 जितने भी स्क्रिप्ट्स थे उसमें क्या लिखा था। और सबसे मेन बात जो ये मानते हैं जियोर्डानो ब्रूनो के बारे में, जियोर्डानो ब्रूनो से जिससे ये इंस्पायर अब जियोर्डानो ब्रूनो से, तो उनकी स्टैचू ही इसके रूम में बीचों बीच बनी हुई थी। लेकिन वहाँ का जो माहौल था काफ़ी अलग था। और यहाँ पर जो आप दीवार पर देख रहे हो, यहाँ पर एक एलियन जो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एंटिटी कह सकते हैं हम, उसके साथ इस ब्रूनो ने अपना फ़ोटो यहाँ पर लगा रखा था वॉल पर। तो पूरे रूम में अगर आप हर जगह देखोगे तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये हम लोगों के, हम और आप इसे नहीं समझ सकते क्योंकि एक अलग कोडेड लैंग्वेज में ये सब लिखा गया था ब्रूनो द्वारा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं एक समरी टाइप में बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में नहीं लेके आ रहा हूँ। मुझे मेरा मेन मोटिव ये है कि ब्रूनो डिसअपीयर होने के बाद जब वापस आए तो क्या सीन था वो मैं बताना चाहता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन 5 मंथ बाद ब्रूनो ने जब वापस से अपने घर पर विजिट किया, जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हो कि किस तरह से ब्रूनो बेयर फुट है अपने घर पर जब वापस विजिट किए, तो ये जो CCTV में ये जो कैद हुआ था इनका फुटेज, हल्का सा इतना सा ही क्लिप है, तो यहाँ पर दिख रहा था कि वो अपने घर पर वापस विजिट किए, कुछ कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की या क्या देख रहा है वो सब तो नहीं पता, लेकिन ये अपने घर पर विजिट किए वापस से। तो हम कह सकते हैं डिसअपीयर नहीं हो गए अचानक से, ये रिटर्न हुआ, ये ब्रूनो रिटर्न हुआ।
तो ब्रूनो का इंटरव्यू लिया गया कि एक्चुअल क्या केस था, आप कहाँ चले गए थे जो इतना आपका जो इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है। कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि आप कोई सीक्रेट सोसाइटी से ज्वाइंट हो गए हो या कुछ ऐसी अलग अलग बातें चल रही है। तो ब्रूनो ने कहा कि मैं ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर बस मुझे लाइफ के एग्जिस्टेंस के पीछे का मतलब जानना था। मैं एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर था और मैंने किसी को भी अपने प्लान के बारे में नहीं बताया था, ना कि मैंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया और ना ही किसी से मैंने डिस्कस किया था। बस मुझे मेरा काम करना था और मैं वो हिसाब से चला गया किसी को भी बिना बताए। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस वालों ने भी इस पर केस नहीं किया क्योंकि वो अपने मर्जी से गया था। तो यहाँ पर किसी पर भी केस नहीं हुआ, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि ये पॉपुलैरिटी के लिए ही सब ब्रूनो बॉर्ज ने किया। लेकिन ऐसा नहीं कहा ब्रूनो ने कि ऐसा कुछ भी नहीं था इसके पीछे का रीज़न। तो ये सब बातें ऐसी क्लोज हो गई। तो आज भी काफ़ी आप देखोगे वीडियोज़ अपलोड होती है ब्रूनो बॉर्ज के ऊपर, लेकिन उसे बताया जाता है कि अनसॉल्वड है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग था कि ब्रूनो ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रूनो डिसअपीयर नहीं हुआ, वो काफ़ी सही सलामत है और अपने घर पर ही है। हम कह सकते हैं कि आज से इतने साल पहले, 3 साल 2 साल पहले ये सब केस हुआ था, लेकिन ब्रूनो अभी भी ये सब शायद कर रहे हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन वो आज भी एक मिस्ट्री थी कि वो कहाँ गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ खुल करके ये सब बातें नहीं की है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया है हो तो सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स और मिस्टीरियस चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।